अपने मुंह से न्यूक्लियर रेडिएशन निकालने वाला ये विशालकाय दानव अगर इस दुनिया में आ जाए तो क्या होगा? ये जहां कदम रखता है वहां की जमीन फट जाती है। ये इतना बड़ा है कि कोई इसे देख ले तो उसकी आंखें फट जाती हैं। तबाही का देवता और शैतानों का राजा गॉडज़िला, ये कुछ ज्यादा ही फिल्मी हो गया। क्या वाकई में कभी गॉडज़िला जैसा कोई मॉन्स्टर इस दुनिया में था? क्या होगा अगर गॉडज़िला जाग गया? क्या वो हमें खा जाएगा या हम उसे खा जाएंगे? मेरा कहने का मतलब है कि उसे मार डालेंगे, लेकिन कैसे इंसान गॉडज़िला का सामना करेगा? तो आज के इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा मजा आएगा और बहुत नॉलेज भी मिलेगा। तो यार अभी तक कमेंट ही टाइप कर रहा हो यार, कीबोर्ड से अपनी उंगलियां हटाओ और अपनी नजरें वीडियो पर गड़ाओ, क्योंकि शुरू होने वाला है आज का फाड़ू वीडियो। एक थ्योरी के अनुसार माना जाता है कि ये जीव आज भी इस दुनिया में है और ये शीत निंद्रा में है। ये पानी में रहने वाला जीव बर्फ के अंदर जमीन में कई किलोमीटर गहराई में दबा हुआ है, और ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब आइसबर्ग पिघलेंगे तब गर्मी की वजह से ये आजाद हो सकता है। जिन पुराणों में इस जीव का जिक्र है और इसी के काल के कुछ डायनासोर की हड्डियों और जीवाश्मों का विश्लेषण करने पर ये पाया गया है कि इसकी ऊंचाई करीब 110 मीटर हो सकती है और ये 164,000 टन वजनी हो सकता है। मतलब ये इतना ज्यादा बड़ा है कि पता नहीं कितना ज्यादा बड़ा है। और मजे की बात तो ये है कि हर फिल्म के साथ इसका साइज और ज्यादा बड़ा हो जाता है। और ये अकेला एक ऐसा जीव, एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके ऊपर 37 फिल्में बन चुकी हैं अलग अलग लैंग्वेज में। लेकिन आज हम फिल्मी बातें नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे साइंस और लॉजिक की। क्या होगा अगर वाकई गॉडज़िला हमारी इस दुनिया में आ जाए? ये इतना बड़ा, इतना विशाल है कि ये प्रकृति का संतुलन बिगाड़ सकता है। ये सुनामी ला सकता है, इसके वजन और इसके चलने की वजह से भूकंप आ सकते हैं, ये बड़े बड़े इलाकों में बाढ़ ला सकता है। लेकिन अगर आप इन सब चीजों से फिर भी जिंदा बच गए तो इसके मुंह से निकलने वाले रेडिएशन की वजह से कई किलोमीटर तक के जीव रेडिएशन से ही मर जाएंगे। वो जगह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और उसके बाद आपको चेर्नोबिल भी जन्नत लगने लगेगा। जिनको नहीं पता चेर्नोबिल क्या है, नेट पर सर्च कर लेना। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसको परमाणु बम से खत्म कर देंगे, तो याद रखना जब परमाणु बम फूटता है तो इससे निकलती है परमाणु ऊर्जा, और ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है गॉडज़िला के लिए। मतलब परमाणु बम गॉडज़िला को कमजोर नहीं करेगा, मारेगा नहीं, बल्कि इसे और ताकतवर बना देगा। क्योंकि गॉडज़िला को चाहिए पर डे 1,50,00,000 कैलोरीज, और वो रोटी खाने से तो मिलेगी नहीं, वो शक्ति मिलेगी गॉडज़िला को परमाणु ऊर्जा से। तो बात जब गॉडज़िला की होती है तो इंसान के पास जो सबसे बड़ा हथियार है वही इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में सबसे ज्यादा वजन का जो प्राणी जीवित रह सकता है वो है 1100 टन का, और गॉडज़िला का वजन इतना बताया जाता है कि प्रैक्टिकली इसके खुद की वजन की वजह से इसकी हड्डियां टूट जाएंगी। गॉडज़िला की हाइट इतनी ज्यादा है कि इसके ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और इसकी इतनी बड़ी बॉडी में ब्लड पहुंचाने के लिए, लाखों टन ब्लड पहुंचाने के लिए हार्ट को बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, और इतनी हाइट पर ब्लड और ऑक्सीजन के फ्लो को रोकेगी पृथ्वी की ग्रेविटी। तो प्रैक्टिकली इतने बड़े शरीर वाला, इतनी ऊंचाई वाला जीव, भारी भरकम जीव पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में जीवित रह जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी इंसान को चलने फिरने के लिए दिमाग के सिग्नल की सबसे तेज स्पीड होती है 100 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन जैसा बताया जाता है गॉडज़िला की हाइट है 110 मीटर, तो इतने लंबे शरीर में दिमाग के सिग्नल पहुंचने में 1 सेकेंड से ज्यादा लगेगा। मतलब आप सोच के देखो, ये उंगली हिलानी है और आप हिला दोगे, लेकिन अगर आप सोचो और 1 सेकेंड बाद उंगली हिले तो भाई अपना गॉडज़िला तो काफी स्लो हो जाएगा, बिल्कुल यूट्यूब के वीडियोस की तरह। अरे वीडियो अटका नहीं था, हमने इफेक्ट डाला था। और चलो फिर भी इन सब चीजों से गॉडज़िला बच गया, तो भाई उसे डेली 1 करोड़ कैलोरी चाहिए, वो कहां से मिलेगी? कितने जानवर खाएगा, कितने इंसान खाएगा, वो सब भी एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। और भाई न्यूक्लियर एनर्जी ऐसे तो मिल नहीं जाती, इसका मतलब गॉडज़िला भूख से मर जाएगा, क्योंकि इस धरती पर उसके खाने के लिए, उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए प्रॉपर सोर्स अवेलेबल नहीं बचेंगे। तो भैया प्रैक्टिकली तो गॉडज़िला इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाए,
आएगा। और इससे पहले कि तुम ये कमेंट करो कि गौरव भाई तुमने क्या यार गॉडजिला को ग्रेविटी से ही मार दिया, मतलब पूरा मजा ही खत्म कर दिया, तो इस बात पर सोचते हैं कि अगर ग्रेविटी की वजह से गॉडजिला नहीं मरा तो इंसान उसे कैसे मारेंगे। इंसानों के पास दो तीन तरीके हैं। पहला तो वो किंग कॉन्ग की मदद ले लें, जो कि पता नहीं है नहीं है और इंसानों की बात मानेगा या नहीं, क्या पता वो गॉडजिला के साथ मिलकर इंसानों का ही काम खत्म कर दे। या फिर पैसिफिक रिम की तरह बड़े बड़े रोबोट्स बनाकर गॉडजिला को निपटाया जाए। अगर आपने अभी तक पैसिफिक रिम नहीं देखी है तो यार बहुत अच्छी चीज मिस कर रहे हो, देख डालना। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय पैसिफिक रिम। लेकिन अगर किंग कॉन्ग और बड़े बड़े रोबोट्स वाला आइडिया काम नहीं आया तो शायद इंसानों को ये प्लेनेट छोड़कर पहली फुर्सत में निकलना पड़ जाएगा। लेकिन भाई इंसान बड़ी कुत्ती चीज है, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा, इतना पूरा विश्वास है मुझे, क्योंकि इंसान के पास है दिमाग और भाई उस दिमाग से वो बड़ी से बड़ी चीज को अपना गुलाम अपना पालतू बना सकता है। लेकिन गॉडजिला का क्या होगा, इंसान कैसे उस पर काबू करेंगे, ये तो तभी पता चलेगा जब वाकई में गॉडजिला इस दुनिया में आ जाएगा। और पता नहीं तब ये सब देखने के लिए हम लोग जिंदा रहेंगे भी या नहीं। लेकिन एक काम करने के लिए, आप अभी भी जिंदा हो इस वीडियो को लाइक करने के लिए, तो भाई वीडियो अच्छा लगा है मजा आया है तो लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक करने के लिए जो सिग्नल जाएगा उसे एक सेकंड से भी कम लगेगा, क्योंकि आप गॉडजिला तो हो नहीं। तो जल्दी से अपनी इस उंगली पर सिग्नल भेजो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। तबाही का देवता शैतानों का राजा, आजा आजा मेरे कलेजे में समा जा। क्या होगा अगर डॉगजिला जाग जाए तो, क्या होगा अगर गॉडजिला जाग जाए तो क्या होगा? वो उठेगा, चाय बनाकर पिएगा, उस चाय में दो चार इंसानों को डुबा कर नाश्ते में खा जाएगा। तो अब जानते हैं कि गॉडजिला कैसे मरेगा। तो भैया गॉडजिला को लिए हाँ, और अब ये कमेंट मत करना कि क्या यार गौरव भाई यार क्या। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। तो इंसान बड़ी कुत्ती चीज है, ये कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल लेगी, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल लेगा। वैसे तो भैया पानी खत्म हो चुका है, वीडियो भी खत्म कर देते हैं। गुड बाय।